होता क्या है, डिफाइन करो। लॉस क्या, अभी आप मुझसे बात करने आए, आप डर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, घबरा रहे थे थोड़े से, तो क्या चीज़ का खौफ था, मैं क्या कर रहा, क्या लॉस कर रहा? खौफ यही था कि क्या सर का रिप्लाई होगा और क्या वो मुझे गाइड कर सकेंगे, शायद मेरी वो क्वेश्चनिंग भी उनको अच्छी लगेगी कि क्या मेरा क्वेश्चन जो है वो समझेंगे, कि वाकई में सीखने का क्वेश्चन था कि मैं आंसर देना समझ रहा हूँ। अब खौफ अभी भी चल रहा है, दिल धड़े दिल धड़ डक डक कर रहा है, आहिस्ता हो गया थोड़ा? पहला भी नहीं था, पहले भी नहीं था। तो खौफ निकालने का तरीका ये है कि अगर सांप से डर लगता है, सारी ज़िंदगी सुना है सांप है, तो आप सांप के करीब ऐसे सांप के पास चले जाएं जो नहीं काटते, बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो नहीं काटते, उनको प्यार करें, उनके करीब चले जाएं। अगर हाइट से डर लगता है तो हाइट पे जाने की कोशिश करें, बिज़नेस करने से डर लगता है छोटा बिज़नेस कर लें, खवातीन से डर लगता है बहन बना के बात कर लें, लेकिन डर को क्या करना है, और कम करना है, ख़त्म तो नहीं कर सकते, ख़त्म तो नहीं हो सकता। तो अमेरिकन कहावत है कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो आप फेक करें कि आपको डर नहीं लगता, कुछ ज़्यादा फेक कर जाते हैं तो एरोगेंट बन जाते हैं। आपके जो दोस्त हैं उनको डर लगता है किस चीज़ से? बिजनेस करने से कि हम उसको लर्न किस तरह करें, हम उसके स्टेप्स कैसे जाएं। सही है, तो आपसे बात करते हुए डर लगता है? नहीं, तो आप उनके साथ ही वीडियो कर लिया करें, जब आप उनके साथ वीडियो करेंगे तो उनको तो डर नहीं लग रहा, तो आप उनको अपना थोड़ा सा खौफ उस चीज़ से लगता है जिसके बारे में पता ना हो। जिस आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं खौफ आता है? नहीं आता, लेकिन लोग मरते हैं गाड़ी, जब गाड़ी चलाना शुरू करी थी तो डर लगता था, तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से दोस्ती हो गई, तो खौफ कम हो गया, शादी कर ली। पहले शादी से पहले बेगम के पास जाते सोचते हुए डर लगता था, मुझे बहुत लगता था, अब 10-20 साल गुजर गए हैं तो थोड़ा कम हो गया। नहीं, अब कभी कभी खैर ना एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सिमिलरली हर उस आदमी को जिसको डर लगता है, हर आदमी वैसे छोटे बच्चों को नहीं लगता, छोटा बच्चा आँख में हाथ क्यों डालने को तैयार होता है, क्योंकि उसको किसी ने डर डाला नहीं। अपने बच्चों के अंदर भी कोशिश करें कि डर ना डालें, वरना फिर उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस यही तरीका है, उनके साथ गप्पे लगाएं, बातें करें, सेल्फी लें, और थैंक यू सो मच, आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू सो मच सर, यार मतलब वन इज़ माई ग्रेट मेंटर एंड माई ग्रेट पाकिस्तान, आई एम थैंक यू। छोटे छोटे स्टेप थे यहाँ पे और बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। एक इनका इंटरव्यू कर देंगे जी, 5 मिनट का।